अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज सुबह जल्दी खोल लिए कबूतर, कबूतर अपने सारे उड़े फिलहाल उतर चुके हैं। और अपना ये कबूतर काफ़ी नया पट्टा है, तो आज दूसरी या तीसरी बार उड़ा था तो काफ़ी ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से भटक गया, तो काफ़ी देर इसने परेशान किया। तो फिलहाल ये कबूतर अभी आया है और काफ़ी टाइम से बहुत दूर पे था, उस साइड पे चला गया था, काफ़ी दूर चला गया था, तो बहुत देर बाद लौट के आया वापस। तो फिलहाल दोस्तों मैंने इनको दाना वगैरह लगा दिया और सारे कबूतर को मतलब दाना पानी करके ओके है सब बिल्कुल, और पानी वानी पी भी लिया है और कबूतर उड़ भी चुके हैं काफ़ी टाइम से, और मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बादल से हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप लोग पेड़ देख सकते हैं दोस्तों, तो मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और कल बारिश भी हुई थी, इसकी वजह से छत थोड़ा साफ भी दिख रही है, क्योंकि छत काफ़ी गंदी हुई पड़ी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से कबूतर सारे ठीक है, फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों अपने कासने की फीमेल अंडे को अच्छे से इंक्यूबेट कर रही है, तो इंशाल्लाह इसके 10-12 दिनों में बच्चे निकल जाएंगे। प्लस अपने पंजाबन ने भी अंडे यहाँ पे लेकर ही हैं, इस बार यहाँ पे दिए, चले फिलहाल ठीक है इस जगह पे अपना नेस्टिंग करके अच्छे से और अंडे दिए हैं। बाकी अपना खैरा भी बच्चे को अच्छे से फीड करा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया, प्लस अपना ताकि भी अंडे को इंक्यूबेट कर रहा है, वो भी अच्छे से केयर कर रहा है अंडे की। और दोस्तों बच्चे मको के काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो कुछ दिनों में भी बाहर निकलने लगेंगे, माशाल्लाह अच्छे ग्रोथ हो रही है और फीड भी अच्छे करा रहे ये लोग तो करा रहे, प्लस अपनी कलदुमी भी इन बच्चों को फीड कराती है, इस साइड से पीछे की साइड से उनको फीड कराती रहती है, तो अच्छी बात है, अच्छे से वो लोग दाना वगैरह पा रहे हैं। प्लस दोस्तों अपने इस बार कलदुमी के फीमेल ने एक ही अंडा दिया, तो एक अंडा अपने गोला जो है दोनों लाल और हरे में, तो उसका एक अंडा है यहाँ पे रख दिया। फिलहाल वो लोग अच्छे से इंक्यूबेट नहीं कर रहे थे, एक अंडे पे बैठ रहे थे, एक अंडे पे नहीं बैठ रहे थे, जिसकी वजह से अंडा ख़राब भी हो सकता था। फिलहाल अभी तो इनका फर्टाइलिटी कुछ भी नहीं दिख रही, क्योंकि नसें नहीं पड़ी हैं, तो आई थिंक ये इस बार का क्लच इनका ख़राब हो गया है। बाकी अपने सिराजी का पेयर दोनों अच्छे से अंडे को इंक्यूबेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी बच्चा निकाल लेंगे अच्छे से इंशाल्लाह, अगर दूसरे कबूतरों ने बीच में बड़ी नहीं मारी, लड़ाई नहीं की, तो इंशाल्लाह बच्चे को अच्छे से लोग फीड करा के बड़ा कर देंगे। बाकी अभी इस फीमेल का मसला ये है दोस्तों कि ये फीमेल कच्चे अंडे देती है, मतलब बिना छिलकों के, जिसके वजह से इसका अंडा ख़राब हो जा रहा है हर बार। तो इस बार तो ठीक दिया था थोड़ा, बट फिर भी अंडा पिचक गया था, दब गया था, तो इसको कैल्शियम वगैरह देते हैं इंशाल्लाह, इसके भी अंडा और बच्चा देखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इसको कैल्शियम देंगे, जिससे ये भी अंडा सही साट दे अच्छे से, मतलब झिल्ली वाले नहीं, छिलके वाले अंडे थे, ताकि अच्छे से इंक्यूबेट करके बच्ची निकाल सके। बाकी सारे कबूतर अब धीरे धीरे अंदर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने केज को बंद कर रखा था, अभी केज का अभी गेट खोल दिया है, तो सारे कबूतर अंदर जाने के लिए परेशान थे। फिलहाल अभी एक एक करके ये सारे अंदर जाएंगे। बाकी मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से आज कबूतर अपने थोड़ा उड़े भी, बाकी ऐसे तो उड़ते नहीं। तो दोस्तों सारे कबूतर अपने धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, कुछ कबूतर, 2-3 कबूतर अभी अड्डी पर बैठे हुए हैं और बाकी अंदर जा चुके हैं, तो उनको भी बंद कर देते हैं, बाकी कबूतर आज इतना अच्छा उड़े, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा हुआ है, जिसकी वजह से देर तक आज उड़े कबूतर अपने। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।